अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय व्लॉग जी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग गए थे मार्केट, तो वहाँ से फिशर लिया, वहाँ से काफ़ी मतलब चीज़ें जो जो ज़रूरत की थी वो ली, वो लेकर हम लोग घर आए। मैंने अपने लिए लिए लेंसेस। सबसे पहले मैं आपको अरे रेमो और शाह से मिलवा दूँ। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक है। मैं गया हुआ था कैटल कराने, हमारी इलेक्ट्रिक कैटल हमारी खराब हुई कैटल थी। खराब हो गई थी, रेम गए हैं, वो कैटल के बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है। विशाल ने कुछ तो चीजें रेम कह कह रहे थे रही नहीं थी, लेने से बेहतर एक दफा चेक करवा लेता हूँ कि ये ना वो ठीक हो जाए। पर वो क्या मसला था कैटल को, वो पॉइंट जला हुआ उसका। पॉइंट ज्यादा क्योंकि उसमें मैं पानी बहुत गर्म करती अच्छा, हूँ पेटीएम भी बर्तनों देंगे के ठीक लिए। है। और ये हाल देखो यार, मेरा बर्तन ही धुले हुए सुबह से। फिर मैं मामा के साथ फिर सुबह मार्केट से लेगी। अभी रेम मकाई के लिए और शाल के लिए चीज लेकर आए। मेरे किचन भी इतना गंदा है, मेरा पूरा घर भी, क्योंकि साथ साथ जो कपड़े धोए हैं वो सारे पड़े हुए हैं, लगी हुई है मुझे भूख। बड़े बड़े शौक से मेरी बेगम खाती है बकरखानी। अरे वो मैंने कहा था आते हुए, मामा ने बनाए थे गोभी गोश्त, तो मामा ने आते हुए ये दिया गोभी गोश्त, तो वो ये रखा हुआ है बड़े मज़े का। पहले मैं कह रही थी आपको, कहती कि रोटी ले आए, फिर कमरा में क्या दिखाऊं जो कमरे की इस टाइम हालत है। और ये कपड़े देखो यार, मैंने ये तय कर करके रखे हैं, अभी ये सारे कपड़े तय करके रखती। मैं कह रही कि सारे कपड़े हो चुके हैं और ये मेरे कह रहे हो निकाल के हो चुके हैं, शाल के बस तय करके रखने हैं, कुछ ऊपर फैलाए हुए हैं। और लेंसेज दिखाती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ, बड़े प्यारे कलर के लेंसेज। शादी है कज़न की 30 मार्च कह रही हूँ, 30 नवंबर को मेहंदी है और 2 को बारात है। बारात में तो नहीं जाऊँगी, फिर 5 को वलीमा है, तो मैं जाऊँगी 5 तारीख को और 30 तारीख को। तो ये मैं लेंसेज लेकर आई हूँ, इस कलर के बड़े लेंसेज है। खुश हो आज लेंसेज मुझे आएंगे। रे मम्मा मना कर रही थी, रेम भी कहती लगता अपन नहीं होगा। मैंने कहा मैंने पहले बहुत यूज़ किए हैं लेंसेज, यही कलर में लेकर आई, क्योंकि मैंने लेंसेज तो इतने यूज़ नहीं करती, इसलिए मैं यही ही कलर लेकर आई, यही यूज़ करूँगी। रेमबो देखो जरा जरा चमन, जुड़ा चम्मल मैं भी आप जब उसका से गए हुए थे काम करते, कपड़े तैयार कर रही थी मैं। मैं हाँ अभी भी मैंने पॉलर भी जाना है और फिर शाल की भी कटिंग खुद करूंगी घर पे, मेरी भी और करनी मिकाइल है की भी कटिंग करवानी है, रहीम ने भी कटिंग वगैरह करवानी है। कटिंग शेव। कल कल रात मैं करूँगी इंशाल्लाह मैं फेशियल, ठीक है? तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। कल का व्लॉग जो होगा वो कंफर्म मेरा फेशियल पे ही होगा। मैं रहीम को भी फेशियल करूँगी, वो भी दिखाऊंगी। अरे मैं तो बहुत बाबा बाबा हो गया हूँ, वो दाढ़ी वो नहीं पता क्या करवाई, ऐसी शक्ल लेके मेरा दिल नहीं करता सामने आने को। वो मुझे कहते वीडियो में ना लाया करो। मैंने कहा मैं कौन सा मेकअप करके आती, मेरी नेचुरल ब्यूटी। असल में मैं बीच में कुछ और हूँ, लगता कुछ और हूँ, मेरी दाढ़ी है ना जो। नहीं रेम स्किन शेव कराते तो रेम बहुत छोटे छोटे लगते हैं, मैं कहती हूँ मुझसे भी छोटे छोटे लगते हैं। तो अरे आपने भी मैं आना वीडियो शेयर करी, मुझे भी वीडियो में लेकर आओ। अस्सलाम वालेकुम करो। वो जो कैसी हैं आप? अच्छा तो आप आज कुछ लेकर आई हो अपने लिए? बाबा क्या लाया आपके लिए? क्या लेकर आए? चीज चीज वो चीज में नहीं क्या क्या अंकल, पागल चुचू पापी लो है। ये बोल, इससे बड़ी सी खुशबू आ रही है शाल से। नहीं नहीं परफ्यूम की आप आ रही लिए है ना ना? तेरे पास, तो बाप ने कह हाँ दिया। ये मेरा वो लगा के जाती है, मैं भी सोचू ये क्या करती रहती है, ये जो कोई ना कोई पंगे करती रहती है। तो बाकी जो चीज़ें थी वो मैं मामा के घर ही रख कर आई हूँ, उधर ही पड़ी हुई हैं, क्योंकि क्या क्या बंदा उठा के लाए, कपड़ों का शॉपर था, फिर मेरे बच्चों की भी बैग था, फिर सब कुछ उठा कर बच्चों को उठा कर लाना बड़ा मुश्किल है। तो नहीं चला, कल करूँगी अपना फेशियल, परसों लगवानी मैंने मेहंदी, परसों आएंगी मामा मेरे घर तो मैंने लगवाऊंगी मेहंदी इंशाल्लाह। तो वो भी वो वाला व्लॉग भी आपसे इंशाल्लाह शेयर करूंगी। और अब ये 2-3 दिन के जो व्लॉग होंगे ना वो बड़े मज़े के व्लॉग होने, क्योंकि बेहतरीन किस्म के व्लॉग होंगे। एक तो मेहंदी का व्लॉग होगा, ये देखे नहीं मजा कह रहे उफ उफ, तो सही कह रही हूँ ना, नहीं होंगे मज़े के व्लॉग, होंगे ना? क्यों तो नहीं होंगे अच्छे? मैं भी बड़ा अच्छा लग रहा हूँ। अरे कह रहे मैं भी अच्छा लग रही बेटा। नहीं आप तंग करते हो मामा को, नहीं दूंगा पप्पी तंग कर रही लॉ। थी रेंगू को, मैंने कहा मुझे बहुत तंग कर रही है शायद, तो कह रही इसको पॉपी लॉ लॉलीपॉप मिले ना, ये कहती पॉपी बिस्मिल्लाह मेरी जान शहजादी। कौन शर्म तो लगती है इंशाल्लाह कल भी परसों। आप लोगों से ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग शेयर करूँगी, और परसों भी मैं मेहंदी लगवाने तो भी व्लॉग इंशाल्लाह मज़े का शेयर करूँगी। और उसके बाद तो मेहंदी है, मेहंदी का व्लॉग का तो सही वाला मज़ा आएगा ना। अच्छा क्या कह रही है, नूडल्स क्यों बना के दे रहे उसको पॉपुलर ना, बना के तो दे दो उसको लॉलीपॉप खाने, तो उसको
अभी मैं बस ये घर का काम शाम करने लगी हूँ, तो इंशाल्लाह मेरा व्लॉग बस यहाँ तक ही था, जो वो वीडियो है क्या नाम है, इन लोग ना बनाई है ना हमने पिक्चर्स वगैरह रेंगू, वीडियो भी मैंने रेंगू का था बना दे। मामा के साथ मार्केट पे बच्चे रहीम, बल्कि रहीम बाद में आया है मार्केट में, मामा पहले गए हैं, तो मेरे हाथ में मोबाइल नहीं उठा सकती क्योंकि मैंने निकाल को उठा, तो हम लोग गए हुए थे राजा बाजार वाली साइड पे। ये नाराज हो गई थी कि मुझे साथ लेके जाओ। पहली दफा रेम ने मुझे इनकार किया, रेम ने किसी काम से गए हुए थे। मैं रवा चला गया था, वहां काम था, फिर वहां से होता होता पहुंच गया था अभी की तरफ। मुझे फोन लगे थे आज इतनी रश थी, आज फिर सिक्स रोड बंद किया हुआ था बदतमीजों ने, तो उसकी वजह से फिर हम लोग को काफी लंबा मैं घूम फिर सही के, आर्किटेक्चर में सही साफ कर रहा घूम फिर के हम लोग गए हैं, उधर पहुंचे हैं राजा बाजार पहुंचे हैं, तो फिर मैंने वहां से कुछ चीजें लेनी थी। हूं। पानी देख लो गंदा है, हाँ हाँ फेंक दो, पानी में इसको नहीं डालो, समझ लगे कैटर को ज्यादा। क्या मतलब। तो उसके बाद फिर रहीम आए, तो फिर हम लोग वापस आए, तो आते हुए हम लोग फिर बाइक पे ही वापस आए, क्योंकि जाते हुए तो हम लक्ष्य में गए थे, इतना हर जगह से फिर से बंद कर दिए। भी वो मामा के घर से आ रहे थे तो भी रॉन्ग वे गाड़ियाँ आ रही थी, पता नहीं क्या सारी रास्ते ही बंद किए हुए हैं, क्या अजाब खाना है। तो वो भी चीज़ें भी आप मैं लगा दूंगी, और अगर वीडियो रेम ने बनाए तो वीडियो लगा दूंगी। ओके जी, मेरा व्लॉग जो है ना याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया यार, सपोर्ट किया करो, बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग जी जो मुझसे बन सकते हैं, मैं अपनी तरफ से तो ठीक व्लॉग बनाती हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स इंशाल्लाह बनेंगे, तो हम लोग सपोर्ट इंशाल्लाह करोगे तो और मज़ीद अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे। ओके जी, आज मेरी हालत बहुत ही कुछ ज़्यादा हो रही है, मामा मुझे कहते इतने हल्के पड़ गए, मैंने कहा मैं 2-3 दिन से सोई नहीं हूँ, मुझे मिकाइल ने आज रात पूरे नहीं सोने दिया, और पता नहीं क्या मसला है उसको, और अभी वो घोड़े बेच के सो रहा है इस टाइम, वो रात के 9:30 बजे हम घोड़े बेच के सो रहे हैं, उसको पता है कि माँ ने रात को जागना है। तो तो ओके ठीक जी, अल्लाह हाफिज़ में अल्लाह हाफिज़ कर देना, किचन मेरा है, बहुत अल्लाह गंदा हुआ है, हाफिज, सब अपना ख्याल रखना, अभी मैंने किचन भी साफ और करना आप और मेरे करना शर्ट है, भी चेंज किया आज ब्लॉग में आने के मेरे लिए। ईगो को बस कर दिया करो, शर्ट तो चेंज कर लिया करो, शर्ट चेंज करो ब्लॉग के लिए, इतनी की वैसी पहनी मैं हुई नहीं है। पहनी है, 2 दिन से पहनी है शर्ट, ये पूरी दिखाऊंगा। हाँ ये पहले तो मेरे कहने पे रहीम रेड कलर पहना, वरना रहीम तो रेड कलर नहीं पहनते, क्यों सही कह रहे ये हो, प्यार वाला कलर है। हाँ ये वैलेंटाइन डे वाला कलर है। हाँ ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय करो शर्ट, भाई, कर दे, अभी कर दे, तो मुझे कर दो सर, बा करना हाँ भी। कर दो, बाय। अच्छा जी, ये चीज़ें वगैरह मैं लेकर आई थी, मैंने कहा आपसे ये भी शेयर कर दूँ, ये कुछ नेल पेंट थी और मैंने लेंसेज लिए हुए थे, वो फेशियल सामने आपको नज़र आ रहा होगा, इसका रिव्यू भी मैं दूंगी इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह आप लोगों को। ये मामा के लिए जुड़ा ली थी, जुड़ा पिंस ली थी, और ये सारी चीज़ें वगैरह लेकर आई थी, क्योंकि वो अब मैं वीडियो में क्या क्या दिखाती, और ये आई लैशेज गम लेके थी ली थी मैंने, और ये आई लैशेज ली थी मामा को भी लगाऊंगी खुद भी, और कंपैक्ट लिया था, ये बड़ी प्यारे कलर की नेल पेंट थी, ये दोनों जो है नेल पेंट मैंने मामा के लिए ली है, और ये लेंसेज जो है मैंने ग्रे कलर की लेंसेज ली हैं बड़े प्यारे से, तो बस यही मैंने शॉपिंग की थी, मैंने कहा आप लोगों को इसी शॉपिंग में शेयर कर दूं, और ये लेंस ये जो है फेशियल है बड़ा ज़बरदस्त, इसका जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा।